हमीरपुर के एनआईटी सभागार में 9वें इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। वेंकैया नायडू का पहुंचने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर पहुंचे उपराष्ट्रपति करीब 2 घंटे यहां मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल सुंदर और सभ्य प्रदेश है। नायडू ने कहा कि साइंस और रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों को आगे आने की जरूरत है। नायडू ने देश के लोगों के खान पान पर चिंता जताई और कहा कि आज यूरिया के बढ़ते प्रयोग से देश में बीमारियां बढ़ रही हैं और चेंज इंडियन फूड और लाइफ स्टाइल को अपनाने की जरूरत है। The cheated our minds on Robert Craig the Great. Whatever chance you want. The Sipai Murti hai. This sort of education of your girls of mind also is like English. Everybody says, sir, English. Even illiterate people in the village also, mother and father tell the children, Babu, mummy, daddy, kaho. So, mummy, daddy, bidi, daddy, kiri, mujhe kaho. Hamara baba bhi kaho. अम्मा कहो, मम्मी वहां जा रहे हैं। जो आपको एक बार बैठे और एक उपराष्ट्रपति जी ने कहा, इसलिए एक बार माँ बाप और भैया बेटी से सब मिलकर एक बार ट्राई करो, अम्मा कहां जाते, मम्मी कहां जाते, और ट्राई टू लिव विद द नेचर culture for better future. That could be our approach. To mean peace of mind. हमारा आहार और व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। हमारा आहार और व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मित्रों, ने मुझे यहाँ आज बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और योगा योगा भी करना चाहिए, योगा करिए। तो मैंने कहा, सर योगा से मुझे क्या मिलेगा? अरे इस विषय में क्या मिलेगा? मैंने कहा, योगा से आप रोगी नहीं होंगे, योग्य बन जाएंगे। ऐसा कहा, योगा करने से मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा, योग्यता प्राप्त होगा। आप योगी कहे तो आप रोगी नहीं बनेंगे, इतना ही तो गारंटी। इतना मैंने उनको कहा। इसलिए मित्रों, मेरा कहना है, जीवन शैली में परिवर्तन लाने का प्रयास करिए और फ्रेंडशिप टेम्पर बढ़ाइए। मातृभाषा, मातृभूमि, माँ और हमारा देश में जो परंपरा है, उसको आधार पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करिए। बाहर में कुछ अच्छा चीजें थी, देने में संकोच नहीं करना है। हमारा परंपरा यह है मातृभूमि का, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु वसुधैव कुटुम्बम्। एंटायर यूनिवर्स इज वन, दैट इज द अप्रोच। लिविंग इन हार्मनी विथ एवरीबडी, डोंट हेट एनीबडी, लव everybody. That is the principle. So in the science or even in advancement or in technology, that should be our main aim. Keep that in mind. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देवभूमि में उपराष्ट्रपति का आना सौभाग्य की बात है। नड्डा ने कहा कि वर्ल्ड साइंस डे पर संकल्प लेना होगा कि देश को रोग से निरोग बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। देश में 1.5 लाख हेल्थ सब सेंटरों को सर्व संपूर्ण बनाने के लिए काम किया जाएगा। नड्डा ने कहा कि देश के हर 30 साल के युवाओं की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होगी, ताकि देश के युवा बीमारी से पहले सचेत हो सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया की तरह देश को पीछे नहीं रहना चाहिए, भारत दुनिया से आगे निकलना चाहता है। भारत में योग्यता की कमी नहीं है और क्लाइमेट चेंजिंग आज सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इससे निपटने के लिए युवा वैज्ञानिकों को भी रिसर्च करने की जरूरत है। सचमुच में ये बहुत सौभाग्य का अवसर है कि छोटा सा प्रदेश हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। देश में, दुनिया में हमको आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण 9th इंडियन यूथ साइंस कांग्रेस का ये कार्यक्रम कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर के इस तत्वधान में यहां करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे देश भर से जो युवा साइंटिस्ट यहां पर आए हैं,
कि हमें उसको उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, वहां बहुत बड़ी उम्मीद भी करता हूं। यह संभव नहीं आज के इस दौर में कि हम दुनिया को साइंस के इस दौर में टेलीविजन पर खबर सुन करके उनकी जो रिसर्च उसको हम टेलीविजन में देख करके ही संतोष करते रहे। मुझे लगता है कि आज के इस दौर में भारत को अपने आप को भी उसके साथ करना पड़ेगा। और दुनिया साइंस की फील्ड में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो हमारा देश उससे पीछे नहीं रह जाता। और आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में दुनिया की दौड़ में ही भारत आगे नहीं होना चाहिए, दुनिया की दौड़ में भारत दुनिया से आगे निकलना चाहिए, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि देश की चुनौतियों को हल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारत को नया भारत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज के समय में प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या बनी है। क्लाइमेट चेंजिंग के वजह से प्रदेश में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और युवा वैज्ञानिकों को इस सम्मेलन में भी इन सभी समस्याओं पर शोध करने की आवश्यकता है।